जय हिंद दोस्तों, बीएमसी की तरफ से कुछ देर पहले ही एक ट्वीट किया गया है, कुछ गाइडलाइंस लिखी गई है उसमें। वो गाइडलाइंस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो वो गाइडलाइंस में यही लिखा गया है कि न्यू ईयर के सेलिब्रेशन, सेरेमनीज, पार्टीज की परमिशन नहीं रहेगी बीएमसी में आने वाले क्षेत्रों में। फिर रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक 5 या 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने की परमिशन नहीं रहेगी। वेडिंग, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस इवेंट्स को परमिशन है, लेकिन इंडोर स्पेसेस में 100 लोगों की परमिशन है और आउटडोर स्पेसेस में 250 लोगों की, या फिर 25% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, दोनों में से जो कम रहेगा उसकी परमिशन है। फिर सभी रेस्टोरेंट्स, जिम्स, स्पा, सिनेमा, थिएटर्स, ये सभी जगह को 50% कैपेसिटी के साथ ही चालू रखने की परमिशन रहेगी। स्पोर्ट इवेंट्स और सेरेमनीज में 25% कैपेसिटी की परमिशन है। ये भी अपील की गई है नागरिकों से कि जो भी नागरिक वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है, COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है, वो अपना वैक्सीनेशन करवा लें। तो मुंबई महानगर पालिका की तरफ से आज एक ट्वीट किया गया है जिसमें कुछ गाइडलाइंस का जिक्र है। मेरी नज़र में वो ट्वीट आया तो मैं सोचा आप लोगों को उस बारे में जानकारी दे दूँ। इसकी पिक भी स्क्रीन पर चल रही है तो आप वो भी देख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोरोना का खतरा फिर से ना बढ़े और कोई थर्ड वेव ना आए हमारे देश में। आप सब सभी प्रिकॉशंस का, सभी COVID-19 के प्रिकॉशंस का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूँगा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह भगवान आप सबको सलामत रखे। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।